चाहूंगी कि बहुत सारी स्टोरीज है, उसमें से ज्यादा लंबी तो नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स कुछ स्टोरीज में बताना चाहूंगी जो इस लॉ इज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। एक स्टोरी है जिसमें एक डेफ पर्सन ने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी कि उसकी प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, तो ये मैं वैसे ही परेशान हो जाती हूँ, मुझे इतनी सारी वीडियो कॉल आती है। तो मैंने जब देखा, मैंने वीडियो कॉल पे करी कि उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट किया जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है घर में, उसके कि उसको चाकू वगैरह से दिखाते हैं, उसके घर वाले बोलते हैं कि हाँ मैं चाकू जमा दूंगी तुझे, आ जाए तो घर आ बिल्कुल, मैं तो को चाकू दिखा ऐसे चाकू से मारूंगी। तो उसकी खुद की माँ उसको वीडियो कॉल पर ऐसे मतलब चाकू से दिखा दिखा के एकदम ड्रामा करके बता रही है, तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने पुलिस में मेरे एक हायर ऑफिसर को कॉल किया, उसके बाद जब उन्होंने कॉल किया उसकी मदर को तो कहता अरे नहीं नहीं सारे आस पड़ोस को पता है कि मेरे लड़के बहुत पीता है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम वहाँ पर भी कंफ्यूज हो गए। अब उसके बाद में सर ने जो हायर ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि काम करिए आप खुद घर जाके पता करिए कि क्या बात है क्या नहीं। जब आप उसके घर गए मतलब एकदम आस पड़ोस वाले आ गए देखने के लिए, भीड़ जमा ली, कहते अरे नहीं नहीं आप आस पड़ोस वालों से देख लीजिए, कहते तब जाके हमें पता चला कि उनका खुद का बेटा जो उनका टेस्ट है वो दारू पी के खिड़की पे पत्थर मारता है, उसके बाद उसकी मम्मी डर जाती है, उसकी माँ डर जाती है, इसलिए वो चाकू से उनको डराती धमकाती है, मतलब वीडियो कॉल पर बोलती है कि वो एटलीस्ट ये हरकतें ना करे, आजू बाजू में बेइज्जती ना हो हमारी। तो लेकिन ये जो एक्ट वो कर रही है, जो ड्रामा कर रही है उसकी मदर, अगर सच में उसकी वो वीडियो कॉल पे कपड़े वगैरह उतरवा रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ होता है तो इसके तहत आप जा सकते हो। यहाँ पे 509 सेक्शन है, आईपीसी एक्ट है, इंडियन पैनल है। ये किसके लिए है मैं आपको बता रही हूँ, पूरा एक बार देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन ऑफ द आईपीसी सच है, सेक्शन 509 है। यहाँ पे इसको क्या है कि यहाँ पे हर एक जगह मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में ये मतलब पुलिस वालों ने बना रखा है कि मतलब कौन सा सेक्शन कौन कौन क्या क्या देखता है। और मैं बताना चाहूंगी कि मतलब पुलिस वाले हैं कि मतलब अगर आप लोग गलती करते हैं तो आप लोगों को ऐसा पनिशमेंट मिल सकता है। अगर एक लड़की की वीडियो से वायरल हुई तो आप आगे फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं, आप देखिए उसमें आप अपनी बहन देखिए, आप फॉरवर्ड कर रहे देखिए ये देखिए क्या है अच्छा लग रहा है, ये देखिए लड़की देखिए इसका ये उसके बॉडी शेप कर लगे, अपने दोस्त को दिखा के ये दिखा रहे क्या ये सही है, नहीं इट्स नॉट अ करेक्ट थिंग, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए साथ में जीत के। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूंगी लेकिन अभी मैं इतना ही बताऊंगी। अगर हम जब बाहर की साइड वहां पे निकले उसी टाइम पे मतलब पुलिस वाले ने मतलब रोके कि नहीं आप लोग मत जाओ प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे को फोन आ गया एसपी सर का, वो मेरी नौकरी से मैं निकाल देंगे प्लीज, मैं आप डर चलूंगे। हमने बोला कि नहीं अब हम जा रहे बाहर, तो उन्होंने बोला फिर उन्होंने हमें वापस बुलाया, तो हमने सबको बोला कि प्रेस वालों को भी हम बुलाएंगे, सबको बुलाए तो आप बुलाओ ना, तो इतनी देर तक सुबह से लेकर शाम तक वेट करते कि ये सही था। आप लोगों ने हाथ कैसे लगाया, आप लोगों ने एक मैं महिला हूँ आपके मेरे को हाथ लगा सकते हो, ये सही चीज है क्या? आपको खुद को तो लोग पता नहीं आप इस लड़की का कैसे समझेंगे। तो मेरे पूरी वहाँ पे उनसे पूरी क्वारीज की, मेरे जो क्वेश्चन थे मेरे पूरे उनके सामने रखे, तो क्या है कि उनकी जो फ्रेंड है एमएलए जो उनके सारे सब लोग आ गए वहाँ पे क्वेश्चन पे, और वो लड़की होता है वहाँ पे मतलब डरने लगी, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है तुम यहाँ से हटो हटो हटो, वो लड़की बोल रही कि नहीं निकली थी, बोला क्या 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 हुआ क्या हुआ, वो बोले हटिया से, मैंने बोला क्या हुआ आपको हटिया से, क्या चीज है ये क्या दिखा रहे हो क्या ऐड दिखा रहे, चुप रहो कौन हो तुम वो कौन हुआ जी, मेरे खुद के राइडर मैं खुद कंपनी लिखवाने आई हूँ आपको क्या पड़ेगा। जब सब लोग देखने लगे ना तो सब लोग बोल रहे ये फ्रीज तो बहुत स्ट्रीट है शांति शांति शांति, तो वही भी खड़ा रहा वही भी खड़ा रहा। उन्होंने कॉल किया वहाँ पे जो उनके लड़की के जो हस्बैंड है उसके भाई को कॉल करके उन्होंने बुलाया, तो मैं वहीं पे उस टाइम पे थी और उन्होंने बोला कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो लड़की बिल्कुल शर्माई थी वो बता नहीं पाई थी, वो बिल्कुल डर नहीं थी कि क्या है आपके बारे में, मैंने बोला आप बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रही कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बोला कि आपको अकल है, उन्होंने जब लड़की को ऐसा हाथ लगाया ना उस लड़की को कीचड़ लगे, तो मैंने देखा ये क्या चल रहा है, मैंने पुलिस वाले को चिल्ला के बोला ये क्या देख रहे हो तुम क्या शांति से बैठे, वो लड़की को ऐसे मतलब खींच के लेके जा रहा है क्या, तुम्हारे क्या राइट ये क्या लड़की में कुछ लो या राइट नहीं है क्या, क्या ये सही चीज है क्या। फिर पुलिस वाले बोला क्या चुप रहे चुपड़े क्या हर करते समझ नहीं आ रही है समझ नहीं आते, फिर उसके बोलते हाथ छोड़ के शांति खड़ा समझ नहीं आ रही है वो क्या कर रहे हैं, वो कहते कि उनके लड़की के खुद के राइटर खुद चाहती कंप्लेंट करना, वो लड़के का चाहती वो एफआईआर करना, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो करना चाहते वो होगा, तो उसको भी खुद का डिसीजन है कि उसके साथ इतना गलत हुआ, उसको आपने इतना वर्बली और उतना उसके साथ फिजिकली आपने उसको मेंटली वीक कर दिया, तो उसके खुद के राइटर खुद करना चाहती है क्या करना चाहती है। तो वहाँ पे पुलिस वाले वगैरह मतलब कोई हायर ऑफिसर है उसके सब लोग शांति नहीं बैठ गए, तो कहते तुम्हें अकल नहीं क्या कर रहे हो, अरे तुम सब उन्होंने क्या
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बोला कि इंटरप्रेटर मतलब थोड़ा थोड़ा बता रहे थे उस टाइम पे, और मैंने देखा ये बात हुई है। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको एक्सप्लेन करी, पहली चीज ये एफ आई आर अगर आप करवाते हैं तो ऐसा था एक्ट होगा, सेकंड चीज ये है। मैंने लड़की बोला कि आप एफ आई आर करवाना चाहते हो नहीं करवाना चाहते, अगर एफ आई आर कर रहे हो तो लड़के की सरकारी नौकरी है, उसकी सरकारी नौकरी उसके हाथ जाएगी और साथ में उसके बच्चे भी है, क्या आप उसे ऐसी पनिशमेंट देना चाहते हो? तो उन्होंने बात की कि उन्हें नहीं उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन मेन चीज क्या कि उसे सरकारी नौकरी की अगर कल को उसको दिक्कत होगी तो हमने बोला कि आपकी खुद की मर्जी देखिए, लेकिन हम चाहते उसे पनिशमेंट दी जाए, हम उसे अपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि उसे डंडे दो तो कम से कम डंडे मारो, उसको अकल आनी चाहिए कि हाँ उसे गलती करी है। पुलिस वालों ने बोला कि हाँ हम ये करेंगे, उन्होंने पूरा एफआईआर के अंदर की उन्होंने पूरा लिया, हमने कहा हम देखना चाहते हैं, हम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, हम वीडियो बनाना चाहते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हाँ कन्फर्म भी ऐसा होगा। उसके बाद फिर ऐसा किया उन्होंने उसे डंडे से मतलब करके कि उनकी मिस्टेक, हमने पूरा ये चेक किया, फिर वो टेपर से बोला कि मैंने मिस्टेक करी है, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं और भी लड़की के साथ ऐसा जो होना काम मिल गया वो आगे से मैं कभी नहीं करूंगा। जो ये वीडियो है इसको हम अपलोड नहीं कर सकते, किसी का हम फेस नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उसे मेंटली वीक और मेंटली हरासमेंट नहीं करना चाहते उनके साथ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी लड़की के साथ ऐसा सोच रहे हो कि पहला फंस गया पैसा कर लेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। आप देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वो कह रहे कि नहीं आप दिव्यांगजन हैं तो आपको अपने साथ मतलब एक पेरेंट को लाना पड़ेगा। तो मैंने अपने एडवोकेट से बात किया, मैंने कॉल किया, हमने उनसे बात की कि क्या हम किसी अपने फ्रेंड वगैरह को ला सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो लड़की है जिसके साथ ये अनहोनी हुई है उसका खुद का राइट है क्योंकि वो 18 प्लस की है और वो अपने साथ किसी को भी डाल सकती है, अपने दोस्त को भी। तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि मैंने अपने एडवोकेट से बात करी और उन्होंने बोला कि करते हैं, उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला कि आप इवेंट जिस रूम में, हम बोला कि आप क्यों बुला रहे हैं, वहाँ पे क्यों बुला रहे हैं, आप मतलब कैमरा यहाँ पे इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने प्लीज आप यहाँ पे आइए यहाँ पे बात करिए। तो उन्होंने फिर हमें रूम में बुलाया, फिर हमने वहाँ पे पर्सन कर सकते थे कि वहाँ पे बात की, लेकिन वहाँ पे क्या वहाँ पे कैमरा नहीं था, तो मैं सोची थी कैसे करते हैं, हमने वहाँ बात की, मैंने क्या चीज़ें बताइए। पुलिस वालों ने बोला कि आप जानते हैं कि एफ आई आर आप मत करवाइए, अगर आप एफ आई आर करवाएंगे तो आपको परेशानी होगी। पुलिस वालों ने काफी मतलब हमें पहला मुद्दा रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हमने बोला नहीं हमें एफ आई आर करनी है, ये डेफ पर्सन जो उसने मिस्टेक की उसको भी अवेयर होना चाहिए कि मतलब उसने ऐसा क्यों किया। उनके मोम डैड मतलब जॉब भी कर रहे थे, सरकारी नौकरी वो ऑलरेडी कर रहा था, तो उसके मोम डैड भी कर रहे थे, तो उसके बाद वो उस लड़की के साथ ऐसा क्यों करे। पुलिस वालों ने बोला कि इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उन्होंने बोला कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करें तो मैं आपके ऊपर जाऊंगी, एसपी से मैं बात करूंगी। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने सोचा हम कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने अपने हाई एक ऑफिसर थे, मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने कॉल किया सुप्रीम कोर्ट को, मैं रात को 9 बजे तक वहाँ पे रुकी रही, इंटरप्रेटर भी वहाँ पे वीक पड़ गए, वहाँ पे जो एक लड़की इंटरप्रेटर थी वो भी रोने लगी, वो डर लगी नहीं नहीं मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है। जब वो इंटरप्रेटर भी हुई तब मैं बिल्कुल ऐसे एकदम से शॉक हो गई, जब वो लड़की जब इंटरप्रेटर भी हुई तो मैं खुद से डरने लगी कि मतलब मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ भी कुछ ऐसे अनहोनी नहीं होगी, कहीं मैं जेल में ऐसे बंद नहीं होगी, कहीं मेरी ऐसी फोटो भेजेंगी। तो वो जब इंटरप्रेटर भी होगा तो मैं भी बिल्कुल बीच में ऐसे थक गई, मैं फंस गई। वो कहती मेरे को आदत नहीं इतनी लेट रहने की, मेरे को पुलिस वालों से बात करनी, चीज को ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, कल सुबह 11 बजे आइएगा, उन्होंने ऐसे मतलब बोला। फिर हम वहाँ से निकल गए, वहाँ से जाने के बाद मैंने उज्जैन में मेरी वहाँ पे वुमेन टीम थी, तो मैंने उन महिलाओं को बोला कि प्लीज आ जाएगा, तो वो बार बार ही कहना है कि मतलब वो जो इंटरप्रेटर उनके जो नोन में, वो कह रहे कि नहीं ऐसा ऐसा लोग है, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स आएंगे आएंगे, मैं ऐसे पुलिस वाला हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं ऐसा इंटरप्रेटर हूँ, तो वो बार बार ही ऐसे ऐसे करके उनको बहला मतला रहा था, और उन्हें बोला कि आप लोग नहीं करेंगे, मेरी जिन होना नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। उनके वीडियो का एमएमएस लीक हुआ है, तो प्रीति जी कह रही है कि स्पेशली मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा, 4:40 बजे को 40 मिनट का रास्ता, तो कह रही मैं वहाँ से उज्जैन पहले वहाँ पे मैं गई, और मैं वहाँ पे जाके मैंने अपनी डिमांड रखी, मैंने कहा आप इसकी एफ आई क्यों दर्ज नहीं करे, उन्होंने बोला अरे यार ऐसे थोड़ी होता, वो कह रहे आपके साथ इंटरप्रेटर कौन है, वो कह रहे इंटरप्रेटर के साथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो कह सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट दिखा, इंटरप्रेटर का दिखा, अरे नहीं नहीं ये इंटरप्रेटर नहीं, जो एमपी का जो इंटरप्रेटर है एक बस वही इंटरप्रेटर चलेगा। प्रीति जी मतलब एमपी का एक इंटरप्रेटर चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, एमपी में इतने सारे लोग हैं, आपको पता है कितने सारे डेप लोग हैं वहाँ पे, 3 लाख डेप लोग हैं, क्या उनके लिए एक इंटरप्रेटर सफिशियंट किया, इनफ है, बहुत काफी है क्या? तो उन्हें कॉल किया नहीं 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 नहीं, फिर इंटरप्रेटर ने बोला यार ये प्रीति ये तो बहुत ज्यादा हार्ड पर्सन है, नहीं नहीं इसके और है, तो अच्छा सर्टिफिकेट है आपके, ठीक है रुको 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 रुको, जो डेप पर्सन है पूछा कि आपने उन्हें क्या जेल में डाला, आपने क्या उसको मतलब रोका, वो कह रहे नहीं वो डेप पर्सन आ रहा है आ रहा है, वो कह रहे कि वो माँ वो रिक्वेस्ट करे कि नहीं 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 उस डेप पर्सन को नहीं ला जाए, तो हमें उनकी बात पकड़ी कि वहाँ पे कुछ डिफरेंट था, वो चाहते थे कि मतलब वो जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मतलब उस बच्चे को छोड़ दो छोड़ दो, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे को मतलब माइंड मैनिपुलेट किया जाता था, तो वो हमारे साथ थ्रो करते थे, वो हमें फूल बनाते कि उसको जेल में डाल रहा है, तो हमने